एमसीसी के अंदर बीएससी नर्सिंग का राउंड टू का सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था 19th ऑफ सितंबर को। इतने सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज आप हमारे लिए राउंड टू का प्रॉपर एनालिसिस बनाओ। सो इट टुक मी अराउंड 3 days इसको पूरा एनालाइज करने के लिए, एंड मैंने आप लोगों के लिए राउंड टू का पूरा एनालिसिस बना लिया है कि आपका एमसीसी में, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए देख रहे हैं, तो राउंड टू में किस कॉलेज के अंदर लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है, अगर आपको राउंड टू में सीट नहीं मिला है आपको क्या करना चाहिए, राउंड थ्री के अंदर आपकी लास्ट किस रैंक तक सीट आपको मिल सकती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। दिस इज योर शिवानी मैम। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी रिजल्ट चेक नहीं किया है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यूजी मेडिकल पे जाना है, वहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो कि आपका पूरा रिजल्ट बन के आया था। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो एक बार शेड्यूल भी देख लेते हैं कि राउंड थ्री आपका कब से स्टार्ट होगा। तो राउंड टू के बारे में अगर आप देखें तो आपका 19th of September में रिजल्ट आया था। 27th of September तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। यू नीड टू डिसाइड कि हमें अपग्रेड करना है, क्या करना है, वो आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी सेशन में हम देंगे। एंड देन आपको जो राउंड थ्री है वो स्टार्ट होगा आपका 3rd of October से, राइट। अब विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपका क्या कट ऑफ रही है, क्या एनालिसिस। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। सबसे पहले अगर आप देखें तो वी हैव दीज टोटल 7 कॉलेजेस जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमसीसी के अंदर। राउंड थ्री में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने नहीं अब तक पार्टिसिपेट किया, आप राउंड थ्री में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो हमारे पास अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आप इस कॉलेज की कट ऑफ चेक करोगे, मैंने दोनों कोटा के लिए मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ऑल इंडिया पे हैं तो क्या रहेगा, दिल्ली एनसीआर से तो क्या रहेगा। अगर आप ऑल इंडिया पे देख रहे हैं तो इस बार जनरल कैटेगरी को 48,256 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। और ऐसे ही साथ साथ मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे राउंड वन और राउंड टू में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप राउंड वन की बात करें तो राउंड वन में ये 28,000 something पे सीट मिला था। देखो 28 से डायरेक्ट 48 हो गया है। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसका है 60,000 तो मैं बोलूंगी पार्टिसिपेट कर ले 60,000 तक आप अहिल्या बाई कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको राउंड थ्री में मिल जाएगा। अगेन सीट मैट्रिक्स एक बार आ जाने दो, देन आपको क्लियर कट आएगा। आप ओबीसी के लिए चेक कर लो, ओबीसी में आपका 55,000 समथिंग पे राउंड टू में सीट मिला है। और अगर मैं राउंड वन की बात करूँ तो 41,000 समथिंग में सीट अलॉट हुआ था। एससी कैटेगरी 1,87,000, और अगर आप राउंड वन में देखें तो 1,77,000, मतलब काफी इंक्रीज यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन एसटी कैटेगरी में लास्ट 2,00,000 पे सीट मिला था और इस बार 1,07,000, का मतलब बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हाई रैंक वालों ने, ठीक है, 1,76,000 पे मिला है। अब बात आती है जनरल में तो 60,000 तक कर लोगे, ओबीसी में 70,000 तक कर लेना, एससी कैटेगरी 2,00,000 वाले बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एसटी कैटेगरी में 2,50,000 तक वाले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको राउंड थ्री में सीट अलॉट हो जाएगा इन कॉलेजेस के अंदर, वो अहिल्या बाई कॉलेज के। सेकेंड कॉलेज का अगर आप देखें बाबा इसी का दिल्ली एनसीआर देखो, एनसीआर में 1,40,000 समथिंग पे जनरल में सीट अलॉटमेंट हुआ है और राउंड वन में ये 1,00,000 तक 1,02,586 समथिंग रैंक पे सीट अलॉटमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया। आप देखो कितना ह्यूज इंक्रीज हुआ है भाई, पूरा का पूरा 38,000 रैंक हाई गई है। तो इस बार इसको मान के चलो 1,70,000 तक अगर आपकी रैंक है और ये कॉलेज चाहिए जनरल कैटेगरी वाला बच्चा तो पार्टिसिपेट करना, दिल्ली एनसीआर दिल्ली कोटा होना चाहिए। जिसको नहीं पता है दिल्ली कोटा क्या होता है तो मैं बता देती हूँ, अगर दिल्ली कोटा उन बच्चों को मिल जाए तो दिल्ली में रहने वाले हैं और जो आपने अपना 11th and 12th दिल्ली के ही स्कूल से किया हुआ हो दिल्ली एनसीआरटी से तभी आपको मिलेगा। AWS देख लो 189, मतलब यहाँ पे भी 2,00,000 तक रैंक जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी अगेन ओबीसी में 1,70,000 तक मान के चलना, ये आपका 3,00,000 तक जाएगा और ये अगेन आपका 4,00,000 तक जाएगा एनसीआर वाले बच्चे। नेक्स्ट आ गया आपका बाबा खरक सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑल इंडिया बेसिस पे सिर्फ 1,02,626 जनरल को मिला है।
और अगर हम लास्ट राउंड की बात करें तो 71,000 पे मिला था, तो भाई 71 से 30,000 का जंप आया है, तो मतलब अगर आपका 1,20,000 तक भी रह के राउंड 3 के लिए तो आप पार्टिसिपेट कर लो। EWS में 1,35,000, 1,50,000 तक अगर आपकी रैंक है चले जाओ। OBC में कोई सीट अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं है। राउंड वन का एक बार बता देती हूँ, राउंड वन का OBC में 87,000 समथिंग पे था, इस बार कोई सीट अलॉटमेंट में भी हो सकता है कि सीट OBC की ना हो यहाँ पे। ऐसी कैटेगरी 2,53,000 और राउंड वन में ये था 2 लाख तक, तो देखो 50,000 का जंप आया है भाई, 53,000 का जंप आया है, तो बहुत SC ST वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके इन रैंक के अंदर 20-30,000 आप ऐड करके तब राउंड 3 के लिए एक्सपेक्ट कर लेना कि आपको सीट मिल जाएगा। और राउंड 3 इज द लास्ट ऑप्शन, उसके बाद स्ट्रेट राउंड हो जाता है, उसकी भी सारी फॉर्मेलिटीज आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आप लोग कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, क्या आपकी रहेंगे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर कमेंट्स एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अगेन ऑल इंडिया दिल्ली NCR दोनों है। ऑल इंडिया में 83,000 पे मिला है जनरल, और NCR में 1,72,000। राउंड वन से कंपेयर करोगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल 69,000 पे मिला था ऑल इंडिया में, और NCR में 1,48,000 पे, तो 1,73,000 तक गया है, 72 तक गया। EWS में चेक कर लो आपका कितना कट ऑफ है, अगेन 25 से 30, 20-25 तक आप मान के चलना, इसमें एड ऑन कर लेना 1,000 में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देन SC में देख लो 2,81,000, ST कैटेगरी 4,47,000 भाई, ये तो 5 लाख तक जाएगा ST कैटेगरी वाला, ST के तो सबसे ज्यादा मजे होते हैं भाई। BMMC में आ जाओ, सॉरी BMMC नहीं, LHMC में, LHMC अब सारे ऑल इंडिया वाले हैं, 94,000 समथिंग पे जनरल कैटेगरी। TWS कैटेगरी 1,23,000, OBC कैटेगरी 90, दिस इज द लास्ट रैंक, और कोई भी डेटा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके शीट से, एक भी डेटा में आपको सिंगल डिजिट का भी मिसमैच नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, ये आप चेक कर लेना। ये आपका 1,00,000 तक जाएगा बहुत आराम से, LHMC, ये 1,50,000 तक जाएगा, ये आपका 1,20,000 तक जाएगा, ये 3,00,000 तक पहुंचेगा, ये 3,50,000 तक पहुंचेगा। नेक्स्ट आता है आपका BMMC है ना, नहीं, नेक्स्ट राजकुमारी अमृता को देखो, ऑल इंडिया बेसिस पे 1,11,000 पे सीट मिला है, और अगर हम फर्स्ट राउंड में देखें आपका राजकुमारी अमृता कौर में 95,000 पे मिल गया था सीट बच्चे को, और यहाँ पे 1,00,000, तो यहाँ पे 1,20,000-25,000 तक आराम से जाएगा। EWS में 1,40,000, OBC 1,19,000, देन SC और ST, फिर BMMC का चेक कर लो ऑल इंडिया पे 80,000 तक गया है, और अगर आप राउंड वन से इसको कंपेयर करोगे BMMC में 71,000 समथिंग था और इस बार 80,000 तक गया है, ठीक है 1,00,000, तो इसका मतलब जो आपके स्टार्टिंग वाले कॉलेजेस थे ना आपका मौलाना आजाद, बाबा खड़क सिंह, इनके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला है, बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने के लिए क्यों मिला है, क्योंकि बच्चे उन कॉलेजेस को कम फिल कर रहे हैं, इसीलिए हाई रैंक वाले बच्चे उनको फिल कर रहे हैं। मैं आपको बोलूंगी कि भाई आप उन कॉलेजेस को ज्यादा फिल करो, नीचे वाले कॉलेजेस पे बच्चे ज्यादा है, BMMC हो गया, LHMC हो गया, इन पे बहुत बच्चे जाते हैं। आपका मौलाना आजाद बहुत अच्छा कॉलेज है, IIFI, बाबा खड़क सिंह, तीनों बहुत अच्छे कॉलेज है, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ट्राई करो आपको कॉलेजेस मिल जाए। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी चॉइस फिलिंग मैटर करती है, कि आप अपनी चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों की चीज समझ में आया होगा। एक बार BHU का और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। BHU में अगर आप देखो जनरल में 58,000, तो यहाँ पे 65K तक मान के चलना, इसको 80,000 तक मान के चलना, इसको आप 75,000 तक मान के चलना, इसको 2,30,000 बना देना, इसको 3,50,000 तक बना देना, इतना आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार जंप भी बता देती हूँ कितना आया है। यहाँ पे 46,000 पे मिला था जनरल कैटेगरी, इस बार 58 हो गया है। EWS में 60,000, और इस बार 70 कितना हो गया है यहाँ पे, 72 हो गया है। तो भाई ST कैटेगरी 2,78,000 पे मिला था, यहाँ पे 2,94,000 हो गया, तो मतलब जंप आएगा, लेकिन BHU में ज्यादा नहीं आएगा, 12 से 15,000 तक की आप रैंक एड ऑन करके तब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको BHU मिलेगा नहीं मिलेगा। बॉयज के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वेट करना हमारे लाइव सेशन में, कोई ना कोई आप लोगों के लिए बहुत जल्दी डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आऊंगी, जिसमें आपको कोई भी डाउट होगा आप अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। स्टिल आप लोगों के लिए कॉमेंट सेक्शन ओपन है, आप कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर कॉमेंट एज मच एज पॉसिबल।
सो मिलता है हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक ही मैं हमारी जो सीरीज है आपकी कट ऑफ एनालिसिस ये सब कंटिन्यू रखने वाली। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।